वेलकम टू सी ए विजडम चैनल। सो आज हम लोग चैप्टर नंबर 10 पढ़ने वाले हैं। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज चैप्टर नंबर 10 ऑल अबाउट। चैप्टर नंबर 10 इज ऑल अबाउट द कंपनी ऑडिट। सो द प्रोविजंस रिलेटिंग टू ऑडिट ब्रॉडली डील विथ हु कैन बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर। ओके, ये प्रोविजंस रिलेटेड है कि कौन बन सकता है। ओके, ऑडिटर का क्वालिफिकेशंस क्या क्या है, डिसक्वालिफिकेशंस क्या क्या है, मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट क्या है, रिमूवल ऑफ ऑडिटर क्या है, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर ये सब क्या है। ओके, सो इतना सारा सेक्शंस कवर्ड है ये चैप्टर के अंदर। ओके, हम लोग सारा नहीं पढ़ेंगे, वी विल डिवाइड दिस लेक्चर और दिस चैप्टर इन टू पार्ट्स। ओके, वी विल स्टडी द हाफ ऑफ द कॉन्सेप्ट इन दिस चैप्टर एंड द रेस्ट इन अदर्स। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। सो एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशंस एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ एन ऑडिटर। ओके, सो सेक्शन 141 रिलेटेड टू क्वालिफिकेशन डिसक्वालिफिकेशन। ओके, सो सेक्शन 141 बोलते हैं कि कौन बन सकता है ऑडिटर, चार्टर्ड अकाउंटेंट। ओके, अ पर्सन के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट ही। ओके, लेकिन फर्म के लिए मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स क्वालिफाइड होना चाहिए, मीन्स क्वालिफाइड मीन्स अ चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए। ओके, ऐसे रूल में लिखा है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट प्लस प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, देन ओनली ही विल बी एबल टू डू एन ऑडिट। ओके, अंडरस्टूड। नाउ द पार्टनर्स हु आर चार्टर्ड अकाउंटेंट शाल बी ऑथराइज टू एक्ट एंड साइन ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। फर्म के बिहाफ में कौन साइन या एक्ट कर सकता है, ओनली चार्टर्ड अकाउंटेंट। ओके, वेरी इजी। नाउ गोइंग अहेड विथ नॉट एलिजिबिलिटी, कौन कौन नहीं बन सकता। ओके, एन ऑडिटर। ओके, लेट्स सी। सो अ बॉडी कॉर्पोरेट कांट बी एन ऑडिटर एक्सेप्ट LLP जो इंडिया में रजिस्टर्ड हुआ है, मीन्स LLP एक्ट 2008 में हुआ रहेगा तो ठीक है, दैट इज ओके। सेकेंड, एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। ओके, थर्ड, अ पर्सन हु इज अ पार्टनर और हु इज इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। मतलब अ पर्सन जिसका पार्टनर, मतलब जो भी ऑडिटर बनने वाला है उसका कोई पार्टनर हो जो एम्प्लॉयमेंट में है। ओके, या फिर वो ऑफिसर हो वो कंपनी का जो ऑडिट करने वाला है, तो वो जो ऑडिटर बनने वाला हो, ही इज डिसक्वालीफाइड, ही इज नॉट क्वालिफाइड। ओके, फोर्थ, रिलेटिव मतलब अ पर्सन हु और इज रिलेटिव और पार्टनर, मतलब जो ऑडिटर बनने वाला था। ओके, वो या फिर उसका रिलेटिव या फिर उसका पार्टनर होल्ड करेगा कोई सिक्योरिटी। ओके, होल्ड करेगा कोई सिक्योरिटी। ओके, रिलेटिव और सिर्फ रिलेटिव के लिए एक एक्सेप्शन है, वो लोग 1 लाख का फेस वैल्यू तक सिक्योरिटी होल्ड कर सकते हैं, बस रिलेटिव, ओनली फॉर रिलेटिव। ओके, बाकी किसी को कोई एक्सेप्शंस नहीं है। ओके, ओके, लेट अज्यूम रिलेटिव ने 1 लाख होल्ड किया आफ्टर दैट ऑडिटर इज बीइंग क्वालिफाइड, मतलब ऑडिटर बन गया था वो कंपनी का, उसके बाद रिलेटिव ने जाकर सिक्योरिटी होल्ड किया मोर देन 1 लाख रुपीज का, मोर देन फेस वैल्यू ऑफ 1 लाख, तो ऑडिटर क्या कर सकते हैं, ऑडिटर उनको बता सकते कि प्लीज मेरे को ऑडिट करना है, प्लीज आप जो भी सिक्योरिटी हो विदड्रॉ कर लो। ओके, सो विद इन 60 डेज। ओके, देन ही विल बी एलिजिबल, बट 60 डेज हो गया। ओके, देन ही विल बी डिक्लेयर्ड एज डिसक्वालीफाइड। ओके, वेरी इजी। नाउ रिलेटिव का टर्म यहाँ डिफाइन किया है HUF में, हस्बैंड, वाइफ, फादर, मदर, सन, सन्स वाइफ, डॉटर, डॉटर्स हस्बैंड, ब्रदर, सिस्टर। ओके, इट्स अ डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव एज पर द कंपनीज एक्ट 2013। ओके, नाउ रिलेटिव समझो कि 5 लाख तक या रिलेटिव या पार्टनर या खुद 5 लाख तक वो इंडेप्टेड है, मीन्स कुछ लोन विन लिया कंपनी से, या फिर उसका सब्सिडरी कंपनी से, या फिर वही कंपनी का होल्डिंग कंपनी से, या फिर वो कंपनी का एसोसिएट कंपनी से। ओके, नाउ आई विल कॉल दिस एज कैश कंपनी। ओके, कैश मीन्स कंपनी
ए मीन्स एसोसिएट कंपनी, एस मीन्स सब्सिडरी कंपनी, एच मीन्स होल्डिंग कंपनी. ओके फॉर इजी कन्वीनियंट वे. ओके सो इंडेप्टेड है 5 लाख, वो भी कैश कंपनी में, तो फिर ही विल बिकम इनएलिजिबल. ओके ही विल नॉट, ही विल बी डिक्लेयर डिसक्वालिफाइड. ओके और गारंटी दिया है 1 लाख से ज़्यादातर. ओके 1 लाख से ज़्यादा तक दिया तो देन ऑल्सो द ऑडिटर विल बी डिसक्वालिफाइड. ओके ऑडिटर इज नॉट एलिजिबल टू बी एन ऑडिटर ऑफ दैट कंपनी, ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी इन विच द पार्टनर और हिमसेल्फ और हिज रिलेटिव हैज़ गिवन अ गारंटी ऑफ मोर देन 1 लाख. ओके वेरी इजी. नाउ गोइंग अहेड, अ पर्सन और अ फर्म हु वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हैज़ बिजनेस रिलेशनशिप विद कंपनी. ओके एक पर्सन जिसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बिजनेस रिलेशनशिप है कंपनी के साथ या फिर कैश के साथ. ओके कैश आई ऑलरेडी टोल्ड. ओके सो बिजनेस रिलेशनशिप मीन्स जो सर्विसेज दे सकता है, परमिटेड सर्विसेज दे रहा हो, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज बिजनेस रिलेशनशिप. दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज बिजनेस रिलेशनशिप. बाकी सब जो भी आएगा वो बिजनेस रिलेशनशिप में आएगा, प्लस जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में आ रहे हैं एंड प्लस आर्म लेंथ प्राइस में है. ओके आर्म लेंथ प्राइस में जो नॉर्मल प्राइस जो सारा कस्टमर्स को प्राइस में देते हैं. ओके उसके अलावा जो भी होगा वो सब बिजनेस रिलेशनशिप में आएगा. ओके एक्सेप्ट दिस टू पॉइंट. ओके वेरी इजी. नाउ अ रिलेटिव इज अ डायरेक्टर. ओके जो ऑडिटर बनने वाला था उसका रिलेटिव कोई डायरेक्टर है या फिर की मैनेजर पर्सन है वो कंपनी का, तो फिर वो ऑडिटर नहीं बन सकता. ओके जी पॉइंट टेल्स दैट होल्डिंग अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर ऑफ मोर देन 20 कंपनी से ज़्यादा ऑडिट नहीं कर सकता. ओके 20 जो नंबर है उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड नहीं आएगा उसमें भी एक्सेप्शन है. ओके एक्सेप्शन इज लाइक 1% कंपनी को छोड़ देने का, वो 20 में नहीं गिनेगा. डॉर्मेंट कंपनीज को भी नहीं गिनेगा, स्मॉल कंपनीज को भी नहीं गिनेगा. प्राइवेट कंपनीज जिसका पेड अप शेयर कैपिटल लेस देन 100 करोड़ है उसको भी नहीं गिनने का. वेरी इजी. नाउ फ्रॉड, एक ऑडिटर फ्रॉड किया है एंड उसका 10 साल हुआ नहीं है जब से वो कन्विक्टेड बाय कोर्ट है, तब से 10 साल हुआ नहीं, तो ही इज स्टिल नॉट एलिजिबल टू बिकम एन ऑडिटर ऑफ अ सर्टन कंपनी. ओके एंड जो ऑडिटर जो परमिटेड प्रोहिबिटेड सर्विसेज रेंडर करेगा तो ही विल बी डिसक्वालिफाइड. ओके नाउ इन केस ऑफ ऑडिटर बीइंग एन इंडिविजुअल. ओके इंडिविजुअल ऑडिटर है तो कौन कौन सर्विसेज नहीं दे सकता, एक तो खुद या फिर उसका रिलेटिव या कोई दूसरा पर्सन जो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रखता है वो कंपनी के ऊपर. ओके लाइकवाइज फर्म के लिए कौन, फर्म खुद नहीं करेगा तो या फिर उसका पार्टनर्स, फर्म में जो जो पार्टनर्स है या फिर उसका पेरेंट या सब्सिडरी या एसोसिएट पार्टनर्स है या वो एसोसिएट कंपनी एसोसिएट एंटिटी है तो वो लोग भी नहीं कर सकता, वो लोग भी प्रोहिबिटेड सर्विसेज नहीं दे सकता या एनी अदर सर्विसेज विच विल मेक देम डिसक्वालिफाइड फ्रॉम बीइंग एन ऑडिटर ऑफ अ सर्टेन कंपनी. ओके नाउ सेक्शन 144 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. ओके सो सेक्शन 144 क्या बोलते हैं, सेक्शन 144 बोलता है कि प्रोहिबिटेड सर्विसेज मीन्स ये सब सर्विसेज एन ऑडिटर थ्रू एन ऑडिट, मतलब जब ऑडिट कर रहा है तभी ये नहीं, ये सब सर्विसेज नहीं दे सकता. लेट्स से कौन सा सर्विसेज, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज वो नहीं दे सकता, इंटरनल ऑडिट ये नहीं कर सकता, डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम. ओके एक्चुअल सर्विस, एक्चुअल सर्विसेज मीन्स वैल्यूएशन सर्विसेज नहीं दे सकता, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई एडवाइसेस नहीं दे सकता, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज नहीं दे सकता, रेंडरिंग ऑफ आउटसोर्स फाइनेंशियल सर्विसेज नहीं दे सकता, मैनेजमेंट सर्विसेज नहीं दे सकता, एनी अदर काइंड ऑफ सर्विसेज एज मे बी प्रिस्क्राइब थ्रू नोटिफिकेशन. ओके जो नोटिफिकेशन आएगा तभी कुछ और सर्विसेज एडअप होगा तो वो सर्विसेज भी नहीं दे सकता. ओके सो दिस वॉज सेक्शन 144 प्रोहिबिटेड सर्विसेज. ओके लेट्स मूव अहेड टू अनदर कॉन्सेप्ट. सो इट्स अ वेरी नाइस कॉन्सेप्ट दैट इज कैजुअल वेकेंसी. ओके कैजुअल वेकेंसी क्या है, ओके
मीन्स ऑडिटर क्वालिफाइड था, ऑडिटर बन चुका था एक सर्टेन कंपनी का। फिर थ्रू एन ऑडिट, ऑडिट करते करते ऐसे एक कभी बीच के पीरियड में कभी वो डिसक्वालिफाइड बन गया। ओके जो अभी हम लोग डिसक्वालिफिकेशन पढ़ रहा उसमें से कोई सेक्शन लग गया वो ऑडिटर के ऊपर। ओके देन दैट विल बी टर्म्ड एज कैजुअल वेकेंसी। ओके वेरी इजी। डिसक्वालिफिकेशन मेंशन इन सबसेक्शन 3, आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट ही शाल वेकेट हिज ऑफिस एज सच ऑडिटर एंड सच वेकेशन शाल बी डीम्ड टू बी अ कैजुअल वेकेंसी इन द ऑफिस ऑफ द ऑडिटर। वेरी इजी, लेट्स मूव अहेड। नाउ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर सेक्शन 139। ओके सो ऑडिटर कैसे बनता है? ओके सो दो तरह के ऑडिटर होते हैं। सबसे फर्स्ट मीन्स इनिशियली जब रजिस्टर मतलब कंपनी रजिस्टर होता है तभी ऑडिटर को चुनना पड़ता है। दैट ऑडिटर इज नॉन एज फर्स्ट ऑडिटर। ओके उसके बाद से जो भी ऑडिटर आएगा उसको बोलेंगे सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स। ओके सो फर्स्ट ऑडिटर नॉर्मल कंपनियां में कैसे आता है अदर देन गवर्नमेंट कंपनी। ओके सो नॉर्मल कंपनियां में फर्स्ट ऑडिटर कैसे बनते हैं, लेट्स सी। ओके होप यू आर एबल टू सी। ओके सो फर्स्ट ऑडिटर अदर देन गवर्नमेंट कंपनी। ओके मीन्स नॉर्मल कंपनियों में कैसा फर्स्ट ऑडिटर बनता है। ओके सो सबसे पहला अपॉइंटमेंट बाय बीओडी। अपॉइंटमेंट बाय बीओडी मीन्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेगा ऑडिटर को विद इन 30 days फ्रॉम डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ओके 30 दिन जैसे रजिस्टर होगा वो कंपनी 30 दिन के अंदर उनको एक ऑडिटर को अपॉइंट करना है। लेकिन उन लोग फेल हो गए मतलब वो लोग अपॉइंट नहीं कर पाए 30 दिन के अंदर तो फिर क्या होगा, ईजीएम में, ईजीएम मीन्स एमरजेंसी जनरल मीटिंग में मेंबर्स आके विद इन 90 डेज वो लोग अपॉइंट करेगा। ओके तो जो भी वो ऑडिटर आएगा वो कब तक होल्ड करेगा वो ऑफिस, एक एजीएम के लिए मतलब एक साल तक वो होल्ड करेगा। ओके फॉर द फर्स्ट एजीएम। ओके कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट एजीएम। ओके अभी गवर्नमेंट कंपनियां में फर्स्ट ऑडिटर कैसे बनते हैं? ओके गवर्नमेंट कंपनियां में फर्स्ट ऑडिटर बनते हैं कैग अपॉइंट करते हैं। ओके कैग मीन्स कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ओके सो कैग अपॉइंट करते हैं 60 days के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ओके बट वो लोग फेल हो गए तो उधर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आके 30 दिन के अंदर वो लोग ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं। लेकिन इवन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फेल हो गए तो फिर ईजीएम में मेंबर्स को 60 days मिलेगा। इधर 60 days क्यों? क्योंकि इधर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को 30 days ऑलरेडी मिल रहे हैं, इसके लिए अभी सिर्फ एक्स्ट्रा 60 days तक मिलेगा मेंबर्स को जो वो लोग मेंबर्स अपॉइंट कर पाएंगे ऑडिटर को। ओके लाइकवाइज गवर्नमेंट कंपनियां में फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट होता है। और ये गवर्नमेंट कंपनी में ऑडिटर कब तक रहेगा, होल्ड द ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट एजीएम। ओके फर्स्ट एजीएम, यहां भी फर्स्ट एजीएम तक वो फर्स्ट ऑडिटर रहेगा। ओके नाउ सब्सिक्वेंट ऑडिटर। ओके सब्सिक्वेंट ऑडिटर कैसे चुना चाहता है? ओके सो नॉर्मल कंपनियां में मीन्स अदर देन गवर्नमेंट कंपनी में अपॉइंटमेंट मतलब फुल नॉर्मल होते फिर इसके बाद। ओके सो नॉर्मली कैसा, मेंबर्स एनुअल जनरल मीटिंग में अपॉइंट करते हैं ओके ऑडिटर को। ओके एंड उनका टर्म क्या होता है, फर्स्ट एजीएम टू 6th AGM मतलब 5 years तक, फर्स्ट एजीएम टू 6th AGM तक होता है। ओके बट एक सर्टेन कंडीशन होता है, वी विल स्टडी क्या क्या कि कौन सा कंडीशंस होता है। ओके वी विल स्टडी, ओके डोंट वरी। एंड फिर सब्सिक्वेंट ऑडिटर गवर्नमेंट कंपनियां में कैसा बनता है, कैग अपॉइंट करते हैं 180 days फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द ईयर, कमेंसमेंट ऑफ द ईयर। ओके एक 180 days के अंदर अपॉइंट करता है। ओके एंड वो ऑडिटर बस एक कंक्लूजन ऑफ द एजीएम, ओके बस एक एजीएम तक के लिए ही रुकता है। ओके वेरी इजी, गवर्नमेंट कंपनी में ऐसा होता है ऑडिटर। ओके नाउ लेट्स सी द कंडीशंस। ओके यहाँ सब्सिक्वेंट ऑडिटर मतलब अदर देन गवर्नमेंट कंपनी में
मीन्स नॉर्मल कंपनियां में एक कंडीशन, बहुत सारे कंडीशन फुलफिल करना पड़ता है, तब जाकर ही अपॉइंट कर पाएंगे ऑडिटर. ओके, सो लेट्स सी दैट. ओके, बिफोर दिस आर दी कंडीशंस. ओके, सो बिफोर सच अपॉइंटमेंट इज मेड द रिटन कंसेंट. ओके, रिटन कंसेंट होना चाहिए अपॉइंटमेंट का, प्लस सर्टिफिकेट कि अपॉइंटमेंट होने वाला है. ओके, प्लस कंडीशंस. ओके, लेट्स सी द कंडीशंस. ओके, रूल 4 बोलता है कि इंडिविजुअल या फर्म या जो भी एलिजिबल है अपॉइंटमेंट, वो बता देना चाहिए. ओके, ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए. एंड वो डिस्क्वालिफाइड नहीं है, ये भी बता होना चाहिए. ओके, प्रपोज्ड अपॉइंटमेंट इज एज पर द टर्म प्रोवाइडेड अंडर द एक्ट. जो एक्ट में जो जो टर्म्स एंड कंडीशन दिया गया है वैसा ही अपॉइंट किया है कि नहीं. ओके, अपॉइंटमेंट का क्या लिमिट्स है वो भी बताया है कि नहीं ऑडिटर को. ओके, लिस्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट, कुछ ऑडिटर के अगेंस्ट कुछ प्रोसीडिंग्स चल रहा है कि नहीं. ओके, उसका डिस्क्लोजर्स. ओके, प्लस सर्टिफिकेट एंड वो करेक्ट है कि नहीं, वेदर इट इज़ ट्रू एंड रॉन्ग. ओके, करेक्ट है कि नहीं वो भी चेक करने का. ओके, the company shall inform the auditor concern office or its appointment and also file a notice of such appointment with the registrar within 15 days of the meeting in which the auditor is appointed. 15 din tak unko appointment ka intimation registrar ko dena padega. Okay, so that was the conditions. Okay, now हम लोग बोलते हैं कि गवर्नमेंट कंपनियाँ होते हैं एंड अदर देन नॉन गवर्नमेंट कंपनी. ओके, सो जैसे ही हमें गवर्नमेंट कंपनी पता चलेगा कि गवर्नमेंट कंपनी क्या है, तो ये भी हमें पता चलेगा कि अदर देन गवर्नमेंट कंपनी क्या होता है. सो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट कंपनी क्या होता है. सो गवर्नमेंट कंपनी इज अ कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और बाय एनी स्टेट गवर्नमेंट. मतलब 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल है ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड करना चाहिए या फिर स्टेट गवर्नमेंट, या आधा सेंट्रल गवर्नमेंट और आधा स्टेट गवर्नमेंट. ओके, या दोनों. ओके, ऐसा होल्ड करेगा तो मोर देन 51% होगा तो उसको गवर्नमेंट कंपनी बोला जाएगा. इजी, वेरी इजी. और फिर जो दूसरा कंपनी है उनको क्या बोला जाएगा, उनको अदर देन नॉन गवर्नमेंट कंपनी बोला जाएगा. वेरी इजी. Now going ahead with another concept. Okay, let's see the filling of casual vacancy. Okay, जब casual vacancy हो जाए, okay, तब कैसा fill करेगा वो, उसको दूसरा auditor को कैसा लगेगा. Okay, so other companies में क्या होता है, to be filled by BOD within 30 days filled करना चाहिए. okay, board of director fill करेगा. but in case of resignation किया है वो auditor, खुद resign किया है, appointment by BOD shall be approved by company. okay, approval होना चाहिए company का at AGM, annual general meeting में होना चाहिए. okay, फिर to be filed by गवर्नमेंट कंपनी में कैसा होता है, गवर्नमेंट कंपनी में होता है टू बी फाइल्ड बाय कैग विदिन 30 days. ओके, 30 दिन के अंदर फाइल करना चाहिए. ओके, कैग ऑडिटर को ये कैजुअल वैकेंसी को फिल करना चाहिए. ओके, इन केस ऑफ फेलियर, ओके, कैग फुलफिल नहीं कर पाएगा ये सबसेक्शन को, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आके फिल करेगा विदिन 30 days. ओके, नाउ कैजुअल वैकेंसी बाय रेसिग्नेशन, लेट्स सी दैट. So as per section 140 subsection 2 of the act, the auditor who has resigned from the company shall file within a period of 30 days from the date of resignation. Okay, resignation हुआ उसके 30 days के अंदर जो auditor है उसको बता देना चाहिए statement. Okay, in the form of ADT 3. Okay, ADT 3 में आता है resignation का. Okay, so in case of the companies referred to in section 139(5), that is government company, the auditor shall also file such statement with the CAC along with the company and the registrar. Okay, CAC को भी पता, मतलब government company में CAC को पता होना चाहिए and plus registrar को भी पता होना चाहिए. Okay, the auditor shall indicate the reasons and other facts as may be relevant with regard to his resignation. ऑडिटर को रीजंस भी बता देना चाहिए एंड जो फैक्ट्स है रेलेवेंट रेजिग्नेशन रिलेटेड वो भी बता देना चाहिए. ओके, लेट्स मूव अहेड.
इन केस ऑफ फेलियर द ऑडिटर शाल बी लायबल टू अ पेनल्टी ऑफ 50,000 रुपीज। ओके, ऑडिटर ये सब फुलफिल नहीं करेगा तो 50,000 रुपीज लगेगा, या फिर जो ऑडिटर का रेमुनरेशन है दोनों में से जो सबसे कम है वो पेनल्टी लग जाएगा। बट वो कंटिन्यू कर रही है फेलियर को तो उसको 500 रुपीज पर डे लग जाएगा जब से वो फेलियर कंटिन्यू हो रहा है, बट सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 2 लाख रुपीज एज पर सेक्शन 140 सबसेक्शन 3। वेरी इजी। नाउ अदर इंपॉर्टेंट प्रोविजंस रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। ओके, सो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर रिलेटेड प्रोविजंस क्या क्या है? ओके, अ रिटायरिंग ऑडिटर मे बी रीअपॉइंटेड एट एन AGM। ओके, AGM में वो ऑडिटर बन सकते हैं बट वो डिसक्वालिफाइड नहीं होना चाहिए। ओके, रीअपॉइंटमेंट के लिए, दैट इज वन, ही हैज नॉट गिवन द कंपनी और नोटिस इन राइटिंग ऑफ हिज अनविलिंगनेस टू बी रीअपॉइंटेड। वो ऑडिटर रीअपॉइंट नहीं होने का कोई विलिंगनेस ऐसा मतलब कंसेंट नहीं दिया तो चलेगा, तो उसको अपॉइंट कर सकते हैं। ओके, प्लस लास्ट, अ स्पेशल रिजोल्यूशन हैज नॉट बीन पास एट दैट मीटिंग अपॉइंटिंग सम अदर ऑडिटर और प्रोवाइडिंग एक्सप्रेसली दैट ही शैल नॉट बी रीअपॉइंटेड। कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ है कि कोई नया ऑडिटर को लाना चाहिए, या फिर एज ए स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ है कि ये ऑडिटर वापस रीअपॉइंट नहीं होना चाहिए। ओके, तो वहाँ नहीं कर पाएंगे। ओके, वेयर एट एनी AGM नो ऑडिटर इज अपॉइंटेड और रीअपॉइंटेड, द एग्जिस्टिंग ऑडिटर शाल कंटिन्यू टू बी ऑडिटर ऑफ द कंपनी। ओके, AGM में कुछ बताया नहीं कि कौन सा ऑडिटर आना चाहिए कौन सा नहीं आना चाहिए, रीअपॉइंट हो सकते कि नहीं, तो जो ऑडिटर काम कर रहा है ओके वही ऑडिटर वापस काम करता रहना चाहिए। ओके, ही विल बी लाइक एन कंटिन्यू ऑडिटर ऑफ दैट कंपनी। ओके, नाउ रोटेशन ऑफ ऑडिटर। ओके, लेट्स सी रोटेशन ऑफ ऑडिटर क्या होता है। ओके, ओके, रोटेशन ऑफ ऑडिटर ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है ताकि फेमिलियरिटी थ्रेट को थ्रेट ना पहुंचा पाए ऑडिटर को। ओके, सो इसलिए रोटेशन ऑफ ऑडिटर कॉन्सेप्ट लाया। ओके, सो क्लास ऑफ कंपनीज फॉर रोटेशन ऑफ ऑडिटर इंक्लूडिंग लिस्टेड कंपनीज। ओके, प्लस एक्सक्लूडिंग ओके 1% कंपनी और स्मॉल कंपनियां के लिए नहीं लगता है। ओके, किन किन के लिए लगता है? ऑल अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल मोर देन 10 करोड़। All private limited companies having paid up share capital more than 50 crore. Okay, all companies having okay here you see more and equal to 10 crore and more and equal to 50 crore. Okay, 50 crore exact रहेगा तो भी उनको ये rotating auditor का concept लग जाएगा. Okay, all companies having paid up share capital of below threshold limit mentioned. Okay, but having मतलब इससे कम हो रहेगा 50 crore से कम या 10 crore से कम होगा, लेकिन पब्लिक बोराइंग फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक्स या पब्लिक डिपॉजिट 50 करोड़ से ज़्यादा होगा या इक्वल टू 50 करोड़ होगा तो उनको भी रोटेशन ऑफ ऑडिटर लग जाएगा। ओके, वेरी इजी। नाउ एन इंडिविजुअल एज ऑडिटर फॉर मोर देन 1 term ऑफ 5 consecutive years। ओके, इंडिविजुअल ऑडिटर 5 consecutive year तक काम कर सकता है एक ही कंपनी के लिए, एक ही कंपनी का ऑडिट कर सकता है, और फर्म भी 2 term का 5 consecutive कर सकता है। 2 term किया फिर एक उनको एक साल ये करना पड़ेगा, गैप लेना पड़ेगा, फिर वापस 2 term कर सकता है 5 consecutive year, मतलब 10 years तक वो लोग कर सकते हैं। ओके, ये फर्म के लिए था। ओके, नाउ लेट्स गो अहेड। ओके, एज ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट नो ऑडिट फर्म हैविंग अ कॉमन पार्टनर और पार्टनर्स टू द अदर ऑडिट फर्म whose tenure has expired in a company immediately preceding the financial year shall be appointed as an auditor of the same company for a period of 5 years. Okay, जिसका tenure हो गया है, okay, तो वो लोग immediately preceding years कर सकते हैं, appoint किया जा सकता है, but सिर्फ 5 साल के लिए ही। okay,
एंड ये अच्छा सेक्शन है, सेक्शन 96 से आया था, मतलब जैसे वो रूल आया हो रोटेशन ऑफ ऑडिटर, तो उनका मतलब ऑलरेडी कैसे ऑलरेडी बहुत सारे कंपनियां ने कॉन्ट्रैक्ट ले चुका था कि ये ऑडिटर ही काम करेगा इतना इतना साल तक। तो ये सेक्शन 96 ऑफ सेक्शन 96 आफ्टर 3 इयर्स, 3 इयर्स का मौका देता है, ओके 3 इयर्स तक कंटिन्यू करने दे सकते हैं, ओके 3 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। ओके सो लेट्स सी द एग्जाम्पल सो दैट यू विल बी एबल टू क्लियर कि इसका एग्जाम्पल मतलब क्या है ये 3 इयर्स का, ओके मतलब क्या है। ओके लेट्स सी द एग्जाम्पल्स। ओके इलुस्ट्रेशन एक्सप्लेनिंग रोटेशन इन केस ऑफ इंडिविजुअल ऑडिटर। ओके सो इंडिविजुअल ऑडिटर कितना कर सकता था, वन टर्म मतलब एक टर्म जो 5 साल का है कर सकता, मतलब 5 इयर्स तक कर सकता आराम से। ओके सो लेट्स सी द एग्जाम्पल्स। सो द फर्स्ट कॉलम इज ऑल अबाउट कि ऑलरेडी कितना वो काम कर लिया है। ओके सेकेंड कॉलम इज अबाउट कि वो कितना कर सकते हैं, एंड थर्ड इज वो टोटल कितना है। ओके सो लेट अस सम 5 साल वो ऑलरेडी काम किया था। ओके तो इसका तो टेन्योर खत्म हो गया, 5 साल तक ही कर सकते हैं ना ऑडिटर, नहीं बट 3 इयर्स का उन्होंने बोला था कि 3 इयर्स गैप मतलब 3 इयर्स का प्रोविजन पीरियड मिल जाएगा, ट्रांजिशनल पीरियड मिल जाएगा। ओके 3 इयर्स तक वो काम कर सकते हैं। ओके सेक्शन 96 अब भी जस्ट पढ़ा था हम लोगों ने। ओके सो 5 + 3 8 इयर्स तक वो ऑडिटर काम कर सकते हैं। ओके लेट अस द सेकेंड एग्जाम्पल, 4 साल वो ऑलरेडी काम किया था, 4 साल मतलब 1 साल तो एक्स्ट्रा, मतलब 5 साल तो वो तो नॉर्मल एज पर रूल है कि 1 साल तक एक्स्ट्रा कर सकते हैं। ओके बट प्लस 3 इयर्स, ओके 3 इयर्स नॉर्मली है इसके लिए, 3 इयर्स तक कर सकते हैं, तो टोटल 7, वैसे 3 का + 3 इयर्स कर सकते, दैट इज 6 इयर्स। ओके जब 2 साल ऑलरेडी किया था, ओके 2 साल ऑलरेडी काम किया तो और 3 साल कर सकते हैं, दैट विल बी 5 इयर्स। ओके बट अभी ऑडिटर सिर्फ 1 साल ही काम किए, ओके 1 साल ही काम किए हैं, तो वो कितना और साल कर सकता है, नॉर्मली 5 ईयर का टेन्योर होता है ऑडिटर का, तो वो 4 साल तक काम कर सकता है। ओके क्योंकि उसने सिर्फ 1 ही साल दिए है अभी तक, ओके वो नया नया बंदा है, उसने 1 ही साल दिए है, ओके तो वो 4 साल एक्स्ट्रा काम कर सकता है। ओके विच विल लीड टू टोटल ऑफ 5 इयर्स। ओके ये था इंडिविजुअल के लिए, नाउ वी विल सी फॉर दी फर्म। ओके फर्म के लिए क्या है, सो इलस्ट्रेशन एक्सप्लेनिंग रोटेशन इन केस ऑफ ऑडिट फर्म। ओके ये फर्म के लिए, ओके फर्म का कैसा है, 2 टर्म होता है 5 कॉन्सिक्यूटिव ईयर का, मतलब 10 साल तक काम कर सकते हैं। ओके सो फर्स्ट एग्जाम्पल में 10 साल ऑलरेडी काम कर लिया था, लेकिन एज पर द प्रोविजन एक्ट वो 3 साल हम लोग एक्स्ट्रा काम कर सकते, तो 13 इयर्स तक कर सकते हैं। ओके नौ ईयर्स किया था तो 3 साल तक कर सकता, और तो 12 ईयर्स टोटल होगा, 8 का 3 साल और 11 ईयर्स, 7 का 3 साल तो 10 ईयर। ओके 7 का 3 साल 10 ईयर हो गया, 6 साल ऑलरेडी काम किया था, ओके तो सिर्फ 3 साल एक्स्ट्रा काम करेगा क्या, नहीं उसका नॉर्मल टेन्योर, ओके फॉर अ फर्म 2 कॉन्सिक्यूटिव 5 साल का है, दैट इज 10 साल तक वो काम कर सकते हैं, मतलब 6 + 4 साल और काम कर सकते हैं, तो 10 साल हो गया, वैसे 5 साल काम किया था और 5 साल कर सकते ताकि पूरा टोटल 10 ईयर्स हो, फिर वैसे 4 साल काम किया था तो 6 साल और काम कर सकता है टू बिकम 10 ईयर्स, एंड 3 साल काम किया था तो 7 साल और काम कर सकता है, सो विल बिकम 10 ईयर्स। लाइकवाइज 2 साल काम किया तो 8 साल कर सकता है, एंड 1 साल काम किया तो 9 साल और काम कर सकता है, विच ऑल विल ब्रिंग टू 10 ईयर्स। ओके वेरी इजी एग्जाम्पल, वेरी इजी ओके सिचुएशंस, वेरी इजी कॉन्सेप्ट। ओके नाउ लेट्स गो बैक वेर वी हैड लेफ्ट। ओके सो Now you might have understood what this section meant, okay, of section 96 after 3 years from the date of commencement of this act, okay. Now, manner of rotation of auditors by the companies on the expiry of the terms, okay. जब टर्म खत्म हो गया तब जाके रोटेशन ऑफ ऑडिटर कैसे करेंगे, ओके सो जहाँ ऑडिट कमेटी है, ओके तो ऑडिट कमेटी बता देंगे ये नाम, ओके किसको नाम बताएंगे, बोर्ड को, कि कौन कौन ऑडिटर बन सकता है। ओके लाइकवाइज जहाँ ऑडिटिंग नहीं है, ओके
तो वहाँ बोर्ड बता देगा, ओके, एंड दे विल कंसिडर विच ऑडिटर टू बी मेड, ओके, फॉर द नेक्स्ट ऑडिटर, ओके। ये था रूल नंबर 6। The incoming auditor or audit firm shall not be eligible if such auditor or audit firm is associated with the outgoing auditor or audit firm under the same network of audit firms. Let us know rotation of audit वो concept agree करने के लिए वो दूसरा कोई company में जा रहे हैं, लेकिन वो company same branch का हो तो समझे, पहला रिलायंस का कंपनी में काम करता था, ओके, रिलायंस का ही ब्रांड का दूसरा, मतलब रिलायंस का अंडर वाला कोई कंपनी है, उधर अभी जाके काम कर रहा है, तो फेमिलियरिटी है, तो रोटेशन ऑफ ऑडिटर का वो जो कॉन्सेप्ट लाया गया उसका क्या फ़ायदा क्या है, इसके लिए बोलते हैं जो सेम नेटवर्क ऑफ ऑडिट फर्म्स है वो वहाँ पर वापस नहीं जा सकता, ओके। सो द इनकमिंग ऑडिटर और ऑडिट फर्म शाल नॉट बी एलिजिबल इफ सच ऑडिटर और ऑडिट फर्म is associated with the outgoing auditor or audit firm under the same network of audit firms. Very easy. As you would have noticed, the provisions relating to disqualifications and rotation of auditor are meant to ensure that ऑडिट फंक्शन रिमेंस अनबायस, ओके, ये सब क्यों लाया, ताकि अनबायस हो, ओके, ऑडिट का ओपिनियन अनबायस हो। दिस लीगल प्रोविजन ऑल्सो प्रोवाइड इनफ सेफगार्ड सो दैट ऑडिटर कैन फॉर्म देयर ओपिनियन इन एन इंडिपेंडेंट एंड हाईली प्रोफेशनल मैनर विदाउट एनी बायस, ओके, ताकि ओपिनियन आ सके विथ इंडिपेंडेंस एंड विदाउट एनी बायस इन एंड इन एन प्रोफेशनल मैनर, ओके, वेरी इजी। Now let's go to another concept. Provisions relating to audit committee. Okay, audit committee कहाँ कहाँ constitute करना पड़ता है? Okay, let's see. Okay. Okay. Class of companies to constitute audit committee. Okay. So यहाँ बोला है कि कौन कौन audit committee किनको बनाना जरूरी है. So All public companies with a paid up capital of more or equal to 10 crore. वहाँ public companies जो 10 crore से ज़्यादा है या 10 crore तक है तो paid up capital, तो वहाँ audit committee की ज़रूरत है. All public companies having turnover of more or equal to 100 crore. Turnover मतलब sales 100 crore तक है तो उनको भी हो जाएगा. And all public companies having in aggregate outstanding loans or borrowing or debtness or deposit of more than 50 crore. यहाँ equal नहीं है, more than 50 crore. तो वहाँ भी लग जाएगा audit committee. Okay? Very easy. It is to be remembered that audit committee consists of directors. Audit committee में क्या होता है? Directors होते हैं. Okay? Directors कितना होता है? Minimum 3 directors होना चाहिए. With independent directors forming majority. Independent directors ज़्यादा होना चाहिए, ओके, independent director majority में होना चाहिए, ओके, very easy. Now going ahead with another concept, that is manner and procedure of selection and appointment of auditor, ओके, किन तरह auditor appoint होता है या select होता है. So rule 3 ये बताता है, ओके, let's say rule 3. So where a company is required to constitute an audit committee, जहाँ जो जो कंपनी में audit committee चाहिए वहाँ audit committee नाम देगा किसको, board को, okay, और board को वो proper लगेगा तो वो board appoint करेगा. लेकिन if the board agrees with the recommendation of the audit committee, it shall further, मतलब agree करेगा तो ठीक है, लेकिन further recommend the appointment, किनको appointment further, जो board को proper लगेगा तो वो further अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिविजुअल या जो भी ऑडिटर है वो एनुअल जनरल मीटिंग में दे देगा मेंबर्स को, उनको डिसाइड करने, ओके, दिस इज हाउ इट वर्क. लेकिन इफ द बोर्ड डिसएग्रीज विद द रिकमेंडेशन ऑफ द ऑडिट कमिटी, ओके, डिसएग्री कर रहा है, ओके, जो ऑडिट कमिटी ने नाम दिया है, तो वापस वो लोग बोर्ड बोलेगा वापस कमेटी को वापस रिकंसिडर करना है, ओके, क्योंकि मेरे को वो ऑडिटर पसंद नहीं आया, ओके, उसका वो, ओके, तो
वापस कमेटी नाम देगा, बोर्ड को अच्छा लगेगा तो वापस एनुअल जनरल मीटिंग में दे देगा एंड दे विल डिसाइड, ओके। लेकिन इस बार वापस से डिसएग्री किया बोर्ड ने, ओके, तो बोर्ड खुद अपने आप कोई नाम दे देगा ऑडिटर का नाम कि कौन बन सकता है, डायरेक्ट मेंबर्स को दे देगा एंड मेंबर्स कैन अपॉइंट दैट ऑडिटर, ओके। दिस इज द प्रोसेस हाउ इट वर्क्स, हाउ एन ऑडिटर इज सेलेक्टेड, ओके, वेरी इजी। Now going to a good concept, that is auditor's remuneration, okay? So remuneration general meeting में fix किया जाता है auditor का, okay? Auditor का remuneration में क्या क्या आता है, जो fee है वो आते हैं, expenses है वो आते हैं and plus जो जो facility वो auditor को मिलते हैं वो भी आता है auditor remuneration में। remuneration में क्या नहीं आता, जो एक्स्ट्रा सर्विस दे रहा है, ओके, एक्स्ट्रा सर्विस के लिए कुछ पेमेंट हो रहा है तो वो उसको रेम्यूनरेशन में, ऑडिटर्स रेम्यूनरेशन में नहीं बोला जाएगा, ओके, वेरी इजी। नाउ रिमूवल ऑफ ऑडिटर्स, ओके, रिमूवल ऑफ ऑडिटर्स फॉर्म ADT 2 में होता है। द एप्लीकेशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर रिमूवल ऑफ ऑडिटर शैल बी मेड इन फॉर्म ADT 2 एंड शैल बी accompanied with फीस एज प्रोवाइडेड फॉर दिस पर्पज अंडर द कंपनीज रूल्स 2014, ओके। तीस विद इन 30 डेज सेंट्रल गवर्नमेंट को देना चाहिए, दिस इज कंपल्सरी, रिमूवल होने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को पास किया होना चाहिए, ओके, रिजोल्यूशन जो भी पास है वो 30 दिन के अंदर देना चाहिए। द कंपनी शाल होल्ड द जनरल मीटिंग विद इन 60 डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ द अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर पासिंग द स्पेशल रिजोल्यूशन, ओके। The provisions of removal of auditor before expiry of his term are also meant to safeguard auditor's independence, okay? Auditor independence को safeguard करने के लिए ये सब rule लाया जाता है। क्या prior approval of central government, central government का अभी जैसे हम लोगों ने condition बढ़ा कि central government का approval चाहिए रहता है, okay? So ये सब किसके लिए होता है, safeguard of auditor's independence, okay? So now going to another concept, that is appointment of auditor other than the retiring auditor, okay? Appoint करे auditor but दूसरा कोई auditor को, जो retire auditor वो auditor को नहीं but दूसरा कोई auditor को appoint करे तो कैसे करेंगे हम लोग, okay? Appointment, let's see. सेक्शन 140 सबसेक्शन 4 बोलता है स्पेशल नोटिस देना पड़ेगा एनुअल जनरल मीटिंग में, वो भी उसमें बता देना चाहिए कि रिटायरिंग ऑडिटर रीअपॉइंट नहीं हो पाएगा, ओके, पूरा एक्सप्रेसली रिटर्न, ओके, रिटर्न या ओरली, ओके, इधर लिखा नहीं, सो इट कैन बी एनीथिंग, एक्सप्रेस मीन्स एनीथिंग, ओके। द कंपनी शाल फॉरविथ सेंड अ कॉपी देयर ऑफ टू दी, फिर वो कंपनी जो भी कॉपी है वो रिजोल्यूशन को रिटायरिंग ऑडिटर को दे देने का, बोलने का अभी से तू काम नहीं करेगा, ओके। फिर ऑडिटर अपना रिप्रेजेंटेशन दे सकता है, अपना व्यू, अपना पॉइंट रख सकता है, जो रिटायरिंग ऑडिटर है ना वो अपना व्यू पॉइंट रख सकता है, ओके। रिप्रेजेंटेशन इन द राइटिंग टू द कंपनी नॉट एक्सेडिंग अ रीजनेबल लेंथ, ओके, ज़्यादा बड़ा नहीं, ओके, सिंपत्ति के लिए नहीं लिखना है, ओके, एंड रिक्वेस्ट नोटिफिकेशन टू मेंबर्स ऑफ द कंपनी, और वो नोटिफाई भी करेगा जो जो मेंबर्स है कंपनी का, उनको भी बता देगा, ओके, जो रिप्रेजेंटेशन हो, ओके, रिजोल्यूशन का, ओके। नाउ द रिप्रेजेंटेशन शाल बी रेड आउट एट द मीटिंग, ओके, रिप्रेजेंटेशन जो ऑडिटर बनाया वो मीटिंग में वो बोलेगा, ओके। प्लस इफ द ट्रिब्यूनल बट इफ द ट्रिब्यूनल इज सेटिस्फाइड ऑन एन एप्लीकेशन आइदर बाय द कंपनी और बाय एनी अदर एग्रीड पर्सन, ओके, दैट द राइट्स कंसर्न अंडर सेक्शन 140, जो अभी हम लोगों ने बोला कि ऑडिटर, जो रिटायरिंग ऑडिटर वो अपना व्यू पॉइंट रख सकता है, बट ऐसा कंपनी को लग रहा है कि वो गलत इस्तेमाल कर रहा है उस सेक्शन का, या कोई और पर्सन जो एग्रीड पर्सन है, ओके, एग्रीड पर्सन मीन्स पार्टी एट लॉस, ओके, वो पर्सन को ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत ये सेक्शन का गलत यूज कर रहा है, तो वो जो कॉपी है वो इट मे नॉट बी सेंट एंड द रिप्रेजेंटेशन नीड नॉट बी रेड आउट इन द मीटिंग, ओके, वो मना कर सकते हैं कि ऑडिटर को तू ये रीड मत कर, चलेगा, ओके, तू चले जा ये कंपनी से, ओके, वो मना भी कर सकते हैं, ओके, इफ ट्रिब्यूनल इज सेटिस्फाइड देन ओनली, ओके, वेरी इजी।
ओके, सीलिंग ऑन नंबर ऑफ ऑडिट्स, ओके, सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 क्लॉज जी, ओके, सो 20 कंपनी सीलिंग नंबर है ऑडिट का, 20 कंपनी से ज़्यादा नहीं कर सकते, बट एक्सेप्शन है, 1% कंपनीज को गिनना नहीं, डोरमेंट कंपनीज को गिनना नहीं, स्मॉल कंपनीज को भी गिनना नहीं, प्राइवेट कंपनीज को जो पेड अप शेयर कैपिटल जो 100 करोड़ से कम है उनको भी गिनना नहीं है 20 नंबर्स में, ओके okay? नाउ दिस विल बी द लास्ट कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट होने के बाद वी विल एंड दिस लेक्चर, ओके, एंड वी विल प्रेज्यूम और कंटिन्यू द लेक्चर, ओके, इन पार्ट टू, ओके, सो पावर्स, ओके, हम लोग पावर्स पढ़ेंगे, ओके, पावर्स और राइट्स ऑफ ऑडिटर, ओके, सो सबसे पहला पावर या राइट है कि राइट टू एक्सेस ऑफ बुक्स, ओके, जो बुक्स एक्सेस कर सकते हैं, ओके, बुक मीन्स फाइनेंशियल बुक्स, ओके, वेदर केप्ट एट द रजिस्टर्ड ऑफिस या कोई दूसरा जगह पे भी रखेगा तो वो ऑडिटर ले सकता है बुक्स, ओके, कभी भी एक्सेस कर सकते हैं, ओके, प्लस बुक्स का मतलब क्या है, बुक्स का मतलब जो बेयरिंग और आर लाइकली टू हैव एनी बेयरिंग ऑन द अकाउंट, जो अकाउंट्स रिलेटेड कुछ होगा वो सबको बुक्स में माना जाएगा, बुक्स अकाउंट्स एंड वाउचर्स में माना जाएगा, ओके, वेरी इजी। द राइट ऑल्सो एक्सटेंड्स टू द ब्रांच रिकॉर्ड, ओके, ब्रांच रिकॉर्ड, ब्रांच का रिकॉर्ड भी ले सकते हैं ऑडिटर के पास, वो पावर भी है, ओके, इफ द ऑडिटर कंसीडर्स इट नेसेसरी टू हैव एक्सेस, ऑडिटर को लगता है हाँ वो चाहिए ब्रांच का रिकॉर्ड भी चाहिए, तो सेक्शन 143 सबसेक्शन 8 बोलता है कि यस ही हैज द राइट टू एक्सेस दैट ऑल्सो। नाउ राइट टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन फ्रॉम ऑफिसर्स, वो ऑडिटर इंक्वायर कर सकता है, ओके, कहाँ से, मैनेजमेंट से, ऑफिसर्स से, ओके, सो व्हेन द ऑडिटर इज नॉट प्रोवाइडेड विद द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय हिम और इज डिनाइड एक्सेस टू बुक्स, हिज ओनली रेमेडी वुड बी टू रिपोर्ट टू द मेंबर्स दैट ही कुड नॉट ऑब्टेन ऑल द इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन ही हैड रिक्वायर्ड और कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज एज एन ऑडिटर। ये स्टेटमेंट क्या बोलते हैं, ये स्टेटमेंट बोलते हैं कि यस उसका पास राइट है कि इंफॉर्मेशन ले सके ऑफिसर्स से या मैनेजमेंट से, लेकिन जब मैनेजमेंट या ऑफिसर्स उनको इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं तो उसका पास बस एक ही रेमेडी है कि वो मेंबर्स जो कंपनी का मेंबर्स है उनको बता दे कि ये लोग मेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं ताकि सो दैट ही कैन कंटिन्यू हिज वर्क, ओके, एंड वो एक्सप्लेनेशन भी देना चाहिए, ओके, ऑडिटर ऐसे नहीं बोल सकता बट विथ ऑल द एक्सप्लेनेशन, ओके। राइट टू रिसीव नोटिसेस एंड टू अटेंड जनरल मीटिंग, ओके, सो ऑडिटर जनरल मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, प्लस जो जो नोटिसेस है उसका राइट है कि कंपनी वो नोटिसेस भी, मतलब कब जनरल मीटिंग होगा, कहाँ मीटिंग होगा जनरल मीटिंग, वो भी उनको वो ऑडिटर को देते, ओके, नोटिसेस भी, ओके। इट इज़ द राइट ऑफ द ऑडिटर टू रिसीव नोटिसेस एंड अदर कम्युनिकेशंस रिलेटिंग टू एनी जनरल मीटिंग एंड टू बी हर्ड एट सच मीटिंग रिलेटिंग टू द मैटर ऑफ हिज कंसर्न। हाउएवर इट इज ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर टू अटेंड द सेम, ड्यूटी है ये तो राइट ताकि नोटिसेस मिल पाए, बट उसका ड्यूटी भी है कि ऑडिटर की वो अटेंड करे, ओके, एटलीस्ट वो नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट वो कोई रिप्रेजेंटेटिव भी बेचे, ओके, रिप्रेजेंटेटिव ऐसा नहीं कि कोई भी रिप्रेजेंटेटिव, ही ऑल्सो शुड बी क्वालिफाइड, ओके, सो वो क्वालिफाइड रिप्रेजेंटेटिव बेच सकता है, ओके, अनलेस अदरवाइज एग्जेम्प्टेड, ओके, वेरी इजी। राइट टू रिपोर्ट टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी ऑन द अकाउंट्स एग्जामिन बाय हिम, ओके, द ऑडिटर शाल मेक अ रिपोर्ट टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी ऑन द अकाउंट्स एग्जामिन बाय हिम ऑन एवरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच आर रिकॉर्ड बाय और अंडर दिस एक्ट टू बी लेड बिफोर द कंपनी इन जनरल मीटिंग, ओके, जो भी रिपोर्ट है वो मेंबर्स को बता देना चाहिए, ओके, जो एग्जामिन किया है, ओके, एंड लास्ट राइट टू लीन, ओके, राइट टू लीन एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, इन टर्म्स ऑफ द जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ एनी पर्सन हैविंग द लॉफुल पोजिशन ऑफ समबडी एल्स प्रॉपर्टी
ऑन विच ही हैज वर्कड मे रिटेन द प्रॉपर्टी फॉर नॉन पेमेंट। मतलब ऑडिटर को बोला जा रहा है कि मैं मतलब कंपनी फीस नहीं देगा, तो ऑडिटर क्या कर सकता है, वो रिटेन कर सकता है, वो जो भी काम किया है, जो भी वर्किंग्स किया है, जो भी वर्कबुक्स है, जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, वो सब वो अपने पास रख सकता है। ओके, डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग मस्ट बिलोंग टू क्लाइंट, क्लाइंट का होना चाहिए, और वो क्लाइंट पैसा वो ड्यू होना चाहिए, मीन्स वो क्लाइंट अभी तक पैसा दिया नहीं होना चाहिए, तो ही जाकर ऑडिटर रिटेन कर सकता है। एंड डॉक्यूमेंट मस्ट हैव कम इन टू पोजिशन ऑफ द ऑडिटर ऑन द अथॉरिटी ऑफ द क्लाइंट, दे मस्ट नॉट हैव बीन रिसीव थ्रू इरेगुलर और इलीगल मीन्स, इन केस ऑफ अ कंपनी क्लाइंट दे मस्ट बी रिसीव ऑन द अथॉरिटी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ओके, द ऑडिटर कैन रिटेन द डॉक्यूमेंट्स ओनली इफ ही हैज डन वर्क ऑन द डॉक्यूमेंट्स असाइंड टू हीम। ओके, ऑडिटर वो डॉक्यूमेंट रिटेन कर सकते कब, जब डॉक्यूमेंट जो है वो उसको दिया गया तभी, एंड उसके ऊपर कुछ काम किया है तभी ही। ओके, सर्च ऑफ द डॉक्यूमेंट्स कैन बी रिटेन विच आर कनेक्टेड विद द वर्क ऑन विच फीस हैव नॉट बीन पेड। ओके, जहाँ अभी तक फीस नहीं पे किया तो वो डॉक्यूमेंट रिटेन कर सकते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स। ओके, टेकिंग एन ओवरऑल व्यू ऑफ द मैटर इट सीम्स दैट दो लीगली ऑडिटर में एक्सरसाइज राइट ऑफ लीन इन केस ऑफ कंपनीज, इट इज मोस्ट इम्प्रैक्टिकल प्रैक्टिकेबल फॉर लीगल एंड प्रैक्टिकेबल कॉन्स्टेंट। ओके, लीगली या प्रैक्टिकेबल कॉन्स्टेंट के वजह से वो इम्प्रैक्टिकेबल वे है, मीन्स ऑडिटर के पास ज़्यादा पावर नहीं है या ज़्यादा अथॉरिटी नहीं है वो राइट ऑफ लीन यूज कर पाए। ओके, सो हियर वी एंड्स द चैप्टर नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट। ओके, द रेस्ट वी विल कंटिन्यू इन द second part. Okay, so thank you for watching this video.